सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो रिलायंस पावर लिमिटेड, जिसे आप लोग आर पावर के नाम से जानते हो। रिलायंस पावर के अंदर आप लोग देखोगे रिजल्ट्स कल आने हैं और स्टॉक के अंदर आज हमें करेक्शन देखने को मिला कितना 5% के करीब। तो ये गिरावट क्यों हुई आखिरकार, रिजल्ट्स कल है और स्टॉक में फॉल हमें आज बनते नजर आया है, इसके पीछे का एक्चुअली में काफी बड़ा रीजन है वो आपको बताएंगे डिटेल में। तो चलिए बिना स्किप के वीडियो को एंड तक वॉच करना और साथ में डिस्कस करेंगे इसके कल के लेवल्स क्या रहने वाले हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आज आई है वो तकरीबन आप लोग देखोगे 15 करोड़ के आसपास वॉल्यूम देखने को मिली है, 17-17 के भाव पर क्लोजिंग और 5% का डंप। तो चलिए आपको बताते अभी मैन, तो यहाँ पर आप लोग देखो रिजल्ट की वजह से ही करेक्शन आई है, लेकिन आप बोलो रिजल्ट तो कल है। जी हाँ, क्योंकि रिजल्ट से पहले यहाँ से जो ना अभी प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, और यही मैं आपको पहले बोल रहा था कि रिजल्ट से पहले आई थिंक आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, और रिजल्ट्स अगर अच्छे आएंगे तो फिर स्टॉक को फिर खरीद लेंगे, यही मैंने आपको बोला था। और सभी की यही जो ना अभी आप लोग थिंकिंग है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे तो उसके बाद फिर से एंट्री ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रिजल्ट अगर ख़राब आ गए तो वहाँ पर कितना नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें जो ना अभी डिपेंड करती है। तो क्योंकि पीछे इसके हर क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिखाया, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में इसने प्रॉफिट लेकर आई कंपनी, उसका असर स्टॉक के ऊपर काफी अच्छा देखने को मिला। लेकिन प्रॉफिट कहां से आया, कैसे आया, वो सब कुछ मैंने पीछे बताया, लेकिन अब कल देखेंगे भी कैसे आएंगे रिजल्ट्स। तो चलिए अब जानते हैं कल के लेवल्स कैसे हो सकते हैं, पहले इसका डाटा देखेंगे उसके बाद जो अभी इसके कल के लेवल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आर पावर के अंदर फिर से एक बार सेलिंग जोन बढ़ते हुए नजर आया है, सेलिंग जोन में शेयर चलते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे आर पावर का जो डाटा देखने हैं, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 18.65, ओपन हुआ 18.65 के भाव पर, हाई लगाया 18.70, यानी सुबह स्टॉक से एग्जिट करने का मौका था। उसके बाद आप लोग देखोगे शेयर नीचे में 17.60 तक आया है, ठीक है, और 17.80 के भाव पर क्लोजिंग लेते नजर आया है। यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट प्राइस के ऊपर एक हैवी सेल ऑर्डर, जी हाँ, तकरीबन 12.5 लाख क्वांटिटी का जो ना एक बिग सेल ऑर्डर हमें देखने को मिला, जो कि स्टॉक को स्ट्रांगली सेलिंग जोन में दर्शा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके डिलीवरी पोजिशन की, तो आज के दिन जो डिलीवरी उठी है वो 30% के करीब डिलीवरी उठाया गया। शेयर कितने ट्रेड हुए हैं NSE के अंदर 10 करोड़ 56 लाख के करीब, और उठाए कितने गए डिलीवरी में 3 करोड़ 23 लाख के करीब जो डिलीवरी वो उठाई गई है। तो डिलीवरी आप लोग देखोगे ओवरऑल इनसे ठीक ठाक उठी है, बट अभी हैवी सेलिंग है क्योंकि रिजल्ट से पहले स्टॉक से प्रॉफिट बुक किया जा रहा है, और प्रॉफिट बुकिंग करके अगर अच्छे आएंगे तो फिर स्टॉक में एंट्री ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसीलिए मैंने आपको कल के दिन भी बोला था कि स्टॉप लॉस लेके चलिए, और उससे पहले भी मैं आपको यही बताता रहा हूँ, देखो स्टॉक अच्छा है, अच्छी रेंज में चल रहा है, लेकिन इसके अंदर ऑपरेटर गेम भी तो है। कल के दिन भी हैवी बॉल की डील हुई थी, ठीक है, और आज भी आप लोग देखोगे हैवी बॉल की डील हुई है, जिसके चलते जो शेयर है वो हमें टूटते हुए नजर आया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी अब इसके चार्ट पर लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी हमारी कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियर बोला था कि स्टॉप लॉस पुट करके चलिए, 18.40 का स्टॉप लॉस था, अगर हिट होता है नीचे में तो स्टॉक को बेचिए भाई, ठीक है, फिर हमें नहीं रखना, फिर हम क्वार्टर वन के बाद ही डिसीजन लेंगे कि बाय करें, होल्ड करें, सेल करें। अगर कल सुबह की मैं बात करूं तो कल सुबह आपको जो ना भी देखो जिसने एंट्री ले ली है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 17.70 का स्टॉप लॉस ले सकता है, ठीक है, अभी भी 17.70 का जो स्टॉप लॉस है ना वो इसके अंदर बन सकता है। 17.70 के आसपास ये शेयर रिकवरी लेता है तो अच्छी बात है, ठीक है, सॉरी 17.25 का भाई, 17.25 के आसपास अगर स्टॉक रिकवरी ले तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग देखोगे ऊपर में जो गिरावट के संकेत हैं वो बढ़ रहे हैं। तो 17.25 रुपये का SL कल के लिए, अगर नीचे में आए तो स्टॉक को बेच दीजिए अगर आपने आज उठाया है, ठीक है, आपने बेचा नहीं है, क्योंकि फिर रिजल्ट के बाद सबसे बेस्ट रहेगा इसमें एंट्री लेना, रिजल्ट अगर अच्छा आएंगे तब की बात है। हाल फिलहाल आप लोग देखोगे एक स्ट्रॉन्गली अप ट्रेंड स्टॉक में जरूर बना हुआ है, लेकिन ये अप ट्रेंड जो अभी एक झटके में गायब हो जाएगा, तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ 17.25 का SL पुट करना है कल के लिए, जो ना यही लेवल बन रहा है। और ऊपर मैं बात करूँ मैं रेजिस्टेंस की, तो 18.40 का रेजिस्टेंस, अगर 18.40 को स्टॉक ऊपर में ब्रेक कर देता है तो फिर ये ऊपर में 20 रुपये के आसपास भी जा सकता है, लेकिन एंट्री नहीं लेनी है रिजल्ट से पहले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कल के दिन रिजल्ट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।